يا خادم العطر شرف حافلنا يا خادم العطر كل نفس مني صار يشرفني كل نفس مني صار يشرفني من صدرتي على يمدح طه ولا وانت يلتسمع للأجر आज हम इंशाल्लाह बयान करेंगे कि 21वीं रमजान की रात के जो अहमाल हैं वो कौन से हैं और क्या हैं कि इस रात की फजीलत 19वीं रमजान की रात से ज्यादा है, लिहाजा 19वीं रात के जो अहमाल मुश्तरका हैं वो इस रात में भी बजाय ला सकते हैं। जो कि हम पिछले कल के दर्श में हमने बयान किया था, जो अहमाल हमने बयान किए उन्हीं अहमाल को 21 की शब में भी आप बजा ला सकते हैं, जबकि इस रात की फजीलत 19वीं और बाकी की शबों से भी ज्यादा फजीलत की रात है। लेकिन इनके आमाल में से क्या है, पहली चीज है कि पहले नंबर पर गुस्ल करना, दूसरे नंबर पर शब बेदारी करना। जागने से मुराद ये नहीं है कि अपनी जिंदगी के तमाम रोजमर्रा के आमाल और काम और दूसरी मसरूफियात में मसरूफ रहें और हम शब बेदारी करें, शब बेदारी से मुराद ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, और नंबर 4 सूरह हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद वाली नमाज, जिसको हमने बेतरतीब 2 रकात जो थी जिसको आपने बेतरतीब पढ़ना स्टेप बाई स्टेप हमने बयान किया था, तो उसी तरह से इसको भी आपने पढ़ना है। उस तरह उसके बाद जो है कुरान को सर पर रखना, और जो जिस तरह से बेकया अल्लाह वाले अमाल हैं और वो सारे इला आखिर जो वो भी शबेदारी के आमाल का हिस्सा है जिनको पढ़ा जाता है, या दुआ जोशन कबीर, दुआ जोशन सगीर होगी, दुआ मशलूल होगी, दुआ मुजीर होगी, इस तरह की बाकी तमाम दुआएं जो हैं वो भी होगी। और उसके बाद इस रात के आमाल में से 100 रकात नमाज है जिसको आपने 2-2 रकात करके अदा करना है बेतरतीब, जिस तरह नवाफिल की नमाजें अदा की जाती हैं। और रिवायत में है कि ताकीद की गई है कि इस रात और 23वीं की रात, ये दोनों यानी 21 और 23वीं की रात में गुस्ल और शबेदारी करे और इबादत में हर इंसान मशहूल रहे, और शब कदर इन्हीं दो रातों में से एक है। चांद एक रिवायात में मजकूर है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया कि मुअय्यन तौर पर फरमाए कि शब कदर जो है वो कौन सी रात है, आया 19 की है, 21 की है, 13 की है, 15 की है, 27 की है, या 23 की है, या 25 की, कौन सी है। तो उस वक्त आपने किसी रात का तायुन नहीं किया और फरमाया कि मगर इसमें क्या हर्ज है कि तुम इन दो रातों में आमाल खैर बजा लाते रहो, खुदा की इबादत अंजाम देते रहो, ना ये कि शब कादर ही आएगी और उसी रात को ही हम आमाल अंजाम देंगे और इबादत करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि क्या है ये अमल, इसमें कोई कबाहत है कि आप दोनों रात में खुदा की इबादत अंजाम दें। और इस तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं आलम शेख सदूक रहमा, उन्होंने फरमाया कि उलमा इमामिया के एक इज्तिमा में मेरे एक उस्ताद ने ये बात इमला कराई कि जो शख्स इन दो 21वीं और 23वीं रमज़ान की रातों को मसाइल दीनी बयान करते हुए जाग कर गुजारे तो वो सब लोगों से अफजल है। जिस तरह आप लोगों की ये बहस हो रही है या आप लोग बैठे हुए हैं, तो उस एतबार से भी ये एक फजीलत रखती है। जिस तरह से हमारे मसाइल शरई जो अहकाम रोज़ा के हवाले से हमारी होती है बेतरतीब, तो ये भी हमारी एक इबादत भी है और आमाल में भी शुमार है और सवाब भी है और हमारे लिए इल्म के इल्म में इजाफे का बायस भी ऑलरेडी है। और इस तरह से कहा कि आज की रात से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की दुआएँ शुरू करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इन दुआओं में से एक वो दुआ है जिसे शेख कुरैनी ने काफ़ी में और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल फरमाया, और उसको आप मफातिहुल जिनान में भी आप जो है वह हासिल कर सकते हैं, याद इया मुनाजात के नाम से जो किताब है उसमें भी आप जो है वह इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमने वैसे भी रोज़ाना के आमाल के हवाले से बताते हैं, और मुश्तरका आमाल में से कि 4 रकात नमाज हर रात जो है वह 2-2 रकात करके पढ़ी जाए, जिसके शुरू में सूरत अल हम्द के बाद 10 दफ़ा सूरह कादर पढ़े, या जो है वो सूरत अलहम्द में जब इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन तक पहुंचे तो उसी को 100 दफ़ा क्या करेगा, वो तकरार करेगा। और उसके बाद अपनी नमाज को मुकम्मल करने के बाद फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़े, मतलब पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह की तस्बीह पढ़े। उसके बाद जो है वो खालिक़े कायनात से दुआ मांगे, अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करे, और मोमिनीन के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए दुआ और हाजात की बराबरी के लिए जो है वो अव्वल व आख़िर दुरूद पढ़कर खालिक़े कायनात से दुआ
मांग सकता है और इस माह सयाम में जो है वो अपने आप को नेकी गुथा नेकियों की तरफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जे करे और खुदा की याद में अपना पूरा वक्त जो है वो सर्फ करे, ना ये कि अपने दुनियावी कामों में मसरूफ रहे। उससे ज्यादा कहीं इसे फजीलत है इससे पहले के जिस तरह मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ऐ इंसान इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज ना पढ़ी जाए। तो इस फरमान के मद्देनजर हमें देखना चाहिए कि चूंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं अगली जिंदगी में या अगले साल इंशाल्लाह पता नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है यकीन है कि इंशाल्लाह जरूर देखेंगे, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं, पता नहीं हम उस माह रमजान को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो कम अज कम इस रमजान को आखिरी रमजान समझ कर या हर दिन को हर रात को आखिरी रात समझ कर आमाल और इबादत जो अंजाम दी जाए ताकि हम खुदा की बारगाह में सुरखरू और सरफराज हो सकें। तो इंशाल्लाह आज हम जो है वो अपने अहकाम की बहस को जो है वो आगे इदामा देते हैं, जिस तरह से हमने जो है वो कल की बहस में हमने इसको जिक्र किया था और उसके ऊपर बहस हमने की थी जो हलक तक गुबार को पहुंचाने का जो क्या अहकाम हैं रोजे की हालत में। तो आज हम इंशाल्लाह अपने नए अगले वाले मौजू को इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद।